मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल नहीं होने से कई किसानों ने अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर पंजीयन नहीं करवाया। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर पंजीयन शुरू हो गए हैं, जिसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2024 है और 25 अक्टूबर से सरकार जोरों शोरों से पूरी तैयारी के साथ सोयाबीन खरीदी शुरू करने जा रही है। आगे अगर हम बात करें तो किसान सोयाबीन की खराब फसल होने से पहले ही परेशान है और लगातार फसल बीमा एवं राहत राशि की मांग सरकार से कर रहे हैं, जो कि सही भी है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की नाराज़गी दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को किसान और किसान संगठनों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश से कई जिलों में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और कृषि विभाग के अधिकारी ने सर्वे का काम भी पूरा कर लिया है। और कुछ किसानों का ये भी कहना है कि सर्वे की टीम हमारे खेतों में नहीं पहुंची है, सोयाबीन निकल चुका है, अब किस तरह का सर्वे होगा तो देखना ये होगा कि सरकार आने वाले समय में कौन सा कड़ा कदम उठाएगी सोयाबीन की फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए। और मंगलवार को जो बैठक किसान और किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, उसमें सोयाबीन का भी एक बड़ा मुद्दा है, फसल बीमा का भी एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ आवारा पशुओं का भी एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ ही कई मुद्दे और उठ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कई किसानों ने नुकसान होने पर दशहरे पर सोयाबीन का रावण बनाया और अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी नाराज़गी और बात पहुंचाई। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की जो फसल है वो खेतों में ही सड़ गई है, पानी अधिक गिरने से फसल ख़राब हो गई है। कुछ किसानों ने तो फसल सूखने के बाद उसमें आग लगा दी सोयाबीन की फसल में। उनका मानना है कि जो फसल है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, सोयाबीन का मुश्किल से एक या दो दाने भी नहीं निकल रहे हैं एक ढेर में से। तो ऐसे में किसानों की नाराज़गी जायज है और सोयाबीन का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल का जो मुद्दा है वो ठंडा पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जोरों शोरों से फिर से किसान इस मुद्दे को उठा रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो भाव है 6000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य होगा? क्या सरकार 4892 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के बाद जो बाकी शेष राशि बचती है 6000 रुपये में, क्या उसे बोनस के रूप में किसानों के खाते में डालेगी, जिस तरह से गेहूं का डाल रहे हैं या मूंग का डाल रहे हैं? अब बात करते हैं कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन बेचने के लिए किसानों को पंजीयन किस तरीके से करवाना है। तो जैसा आपने पहले गेहूँ का पंजीयन करवाया, मूँग का पंजीयन करवाया, उसी तरह सेम आपको सोयाबीन का पंजीयन करवाना है। समय जो है बहुत कम बचा है, हो सकता है सरकार तारीख आगे बढ़ा दे और जो खरीदी है वो 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में होगी। तो जल्द से जल्द अपना पंजीयन करवाएं। उसके बाद बात करें तो जो पंजीयन की प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। आप चाहे तो MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाकर सोयाबीन का जो पंजीयन है वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन किसानों के पास और अन्य किसानों के पास शेयर जरूर करें।